सो हे गाइस, व्हाट्सअप। सो दिस इज़ आफ्ताब आलम और ये हमारा सेकेंड वीडियो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सीरीज़ का, जिसमें हम लोग जनरल इंट्रोडक्शंस के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। ये सेकेंड वीडियो है, फर्स्ट वीडियो दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा फॉरेस्ट गम मूवी का एक कोट है जो हमें इंस्पायर कर सकता है। ये बात टॉम हैंक ने कहा था इस मूवी में कि आई हैव टू बिलीव यू मेक योर ओन डेस्टिनी, मुझे बिलीव है कि आप अपना तकदीर खुद लिखते हैं। यू हैव टू डू द बेस्ट विथ वाट गॉड गिव यू, आपको जो मिला है, जो आपको गॉड ने दिया है, उसको ही इस्तेमाल करके आपको अपना तकदीर खुद लिखना है। ओके, सो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसमें हम लोग देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव कंपोजिशंस, इसमें हम लोग स्टेट्स और इसका कैपिटल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, यूनियन टेरिटरीज है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग मूव करेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जैसे हो गया कि पांडिचेरी एक स्पेशल यूनियन टेरिटरीज है, तो उसका एक क्या कंडीशन है, किन किन स्टेट्स में ये फैला हुआ है, ठीक है, ये देखेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में। ओके, फिर एक इम्पोर्टेंट यूनियन टेरिटरी आता है अंडमान एंड निकोबार, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसके बारे में हम लोग थ्रोली डिस्कशन करेंगे और हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे, ये कहाँ है, किस जगह पे है, इसमें क्या क्या फेमस है, क्या है सब कुछ। और उसके बाद हम लोग Q&A क्वेश्चन और आंसर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो चलते हैं। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि एट प्रेजेंट इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, तो टोटल अभी 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, नाउ यूनियन टेरिटरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। फर्स्ट यूनियन टेरिटरीज है लद्दाख, जो सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है इंडिया का। सेकेंड आता है जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फोर्थ आता है दिल्ली, जिसको हम लोग बोलते हैं एनसीटी। एनसीटी होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ओके, फिर दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, जो आपस में मर्ज हो गया था। उसके बाद आता है पौंडीचेरी, फिर चंडीगढ़, फिर लक्षद्वीप। देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, देखिए ये यूनियन टेरिटरीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है ये है लद्दाख, सबसे बड़ा, उसके बाद आएगा जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद फिर अंडमान एंड निकोबार, फिर ऐसे ये सीक्वेंस आता रहेगा। सबसे छोटा है लक्षद्वीप, सबसे बड़ा है लद्दाख। लद्दाख का कैपिटल है लेह कारगिल। ओके, लद्दाख ये है, ये पोर्शन जो मैं मार्क कर रहा हूँ ब्लू कलर से, यहाँ पे दिस इज लद्दाख। नाउ जम्मू एंड कश्मीर का दो कैपिटल है, देर आर टू कैपिटल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट है श्रीनगर, श्रीनगर बेसिकली समर कैपिटल है, कि एस से श्रीनगर, एस से समर, ये याद करने में आसानी रहेगा। और सेकेंड जो कैपिटल है वो है जम्मू, जम्मू जो कि विंटर कैपिटल है, जम्मू मतलब जमाओ, ऐसे याद कर सकते हैं, जमता है ठंडा, विंटर कैपिटल। ओके, अब अगर देखें अंडमान एंड निकोबार, इसका क्या ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से, यहाँ पे मैं मैप में मार्क कर रहा हूँ इंडिया के मैप में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। ओके, नाउ फिर आता है दमन एंड दीव एंड दादरा नगर हवेली, इसका कैपिटल होगा दमन। ये 2019 दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव 2019 में 26 ऑफ नवंबर को मर्ज कर दिया गया था और इन दोनों यूनियन टेरिटरी को एक कर दिया गया था, जिसका कैपिटल क्या था, दमन। ओके, फिर उसके बाद आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि लक्षद्वीप का कैपिटल हो जाएगा कावरत्ती। और चंडीगढ़ के बारे में अगर हम कुछ बात करें, तो चंडीगढ़ एक ऐसा स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, जो थ्री स्टेट्स का कैपिटल है। एक चंडीगढ़ का कैपिटल खुद चंडीगढ़ है, उसके बाद दो और स्टेट्स हैं, एक है हरियाणा और एक है पंजाब, इन दोनों का कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। ओके, अगर हम बात करें दादरा नगर हवेली की सिर्फ, तो इसका अर्लियर पुराना कैपिटल था सिलवासा, एस आई एल वी ए डब्ल्यू एस ए।
एरिया वाइज इंडिया वर्ल्ड में 7th रैंक पे है, वर्ल्ड में 7th रैंक पे है। अगर इंडिया का टोटल एरिया की बात करें वो कितना है, वो है 32,87,469 स्क्वायर किलोमीटर। ये स्क्वायर किलोमीटर पे है। अगर पूछ ले कि स्क्वायर माइल्स में कितना होगा तो वो हो जाएगा 12,69,298 स्क्वायर माइल्स। हम लोग को दोनों याद करना है, ये कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, एग्जाम्स में कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा अभी स्टेट्स, यहाँ पे है स्टेट्स। एरिया वाइज कौन सा टॉप 5 स्टेट्स है जो बड़ा है, और कौन सा टॉप 3 स्मॉलेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया है। सबसे बड़ा स्टेट्स है वो है राजस्थान। देखिए ये राजस्थान है, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ राजस्थान। राजस्थान पूरे इंडिया का 10.4% एरिया को लिए हुआ है या कैप्चर किए हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के बाद सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है, वो है मध्य प्रदेश, एमपी। देखिए ये यहाँ है एमपी। एमपी अराउंड 9.4% एरिया को कवर किया हुआ है इंडिया का, टोटल एरिया ऑफ इंडिया का। इन द सेम मैनर थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है मध्य के 9.3% एरिया है इंडिया का। फोर्थ है उत्तर प्रदेश जो 7.2% लिया हुआ है, और फिफ्थ है गुजरात जो 6% टोटल एरिया ऑफ इंडिया है। और अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की, तो ये 13th रैंक है, 2.7% एरिया ऑफ इंडिया, टोटल एरिया ऑफ इंडिया को कैप्चर किया हुआ है, 13th रैंक है। और अगर हम कम्बाइंडली यूनियन टेरेटरी को भी ऐड कर दें, अगर हम कम्बाइंडली यूनियन टेरेटरीज को भी ऐड कर दें तो ये लद्दाख के बाद 14th रैंक आएगा एरिया वाइज। मतलब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 13th रैंक है सिर्फ स्टेट्स के काउंटिंग किया जाए तो एरिया के हिसाब से। अगर स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरी को भी ऐड कर दिया जाए तो वेस्ट बंगाल का रैंक आएगा 14th एरिया के हिसाब से। नाउ स्मॉलेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, सबसे छोटा स्टेट्स है गोवा जो कि 28th स्टेट है ऑफ इंडिया की, यहाँ है गोवा। फिर आता है सिक्किम, ये है सिक्किम सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। एंड द थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच इज 26th स्टेट इज त्रिपुरा जो है यहाँ पे। अब एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट अगर हम डिस्कशन किए करें, तो मध्य प्रदेश एंड राजस्थान के बारे में अगर देखा जाए पहले, तो राजस्थान टोटल 5 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। देखिए यहाँ पे एक पहले गुजरात से कर रहा है, ये बॉर्डर है, फिर मध्य प्रदेश से कर रहा है, फिर उत्तर प्रदेश से कर रहा है, फिर हरियाणा से कर रहा है, और आखिरी में पंजाब से कर रहा है। और ये जो बॉर्डर गया हुआ है, ये जो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के सिंह बॉर्डर से करता है। सो राजस्थान करता है 5 स्टेट से। अब अगर देखा जाए मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश भी टोटल 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वो 5 स्टेट्स कौन है इंडिया के, मध्य प्रदेश का ये मैप देखिए। पहले तो ये राजस्थान से करेगा, मैं अलग कलर ले लेता हूँ समझ में आएगा। पहले ये राजस्थान से करेगा, फिर गुजरात से 2 हुआ, महाराष्ट्र 3, छत्तीसगढ़ 4, और ये फिर यूपी 5, ये भी 5 से करता है। उसके बाद महाराष्ट्र टोटल 6 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वो 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं मैप में देखते हैं। यहाँ है, ये है महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र अगर देखा जाए तो ये ऊपर से शुरू करते गुजरात से बॉर्डर शेयर कर रहा है, उसके बाद ये मध्य प्रदेश से आ रहा है, फिर ये इस साइड में छत्तीसगढ़ से है, और ये साउथ में तेलंगाना से और कर्नाटका से। टोटल 6 स्टेट्स हुआ। और ये इसको ये क्वेश्चन आ गया है आपका सी कोस्ट। फिर ये सेम मैनर में देखा जाए उत्तर प्रदेश का, तो ये सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स को शेयर के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो है यूपी ये। और लास्ट में गुजरात, गुजरात टोटल 3 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और ये उत्तर प्रदेश 9 और गुजरात 3। वो 3 कौन कौन सा स्टेट्स है, पहला है महाराष्ट्र, फिर है मध्य प्रदेश, उसके बाद है राजस्थान। ओके क्लियर है। अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट गोवा। गोवा देखिए, गोवा का कैपिटल है पाणाजी। गोवा का कैपिटल है पाणाजी। गोवा अर्लियर पुर्तगीज से कैप्चर था, पुर्तगीज रूल करते थे पहले इस पर, ठीक है। गोवा जो लोकेटेड है, ये कोंकण कोस्ट पे लोकेटेड है, मैंने यहाँ बताया। पहले थोड़ा सा मैप्स को क्लियर किया जाए। ये गोवा जो लोकेटेड है यहाँ पे, ये जो है कोंकण कोस्ट पे लोकेटेड है, जिसे ये इसको कोंकण कोस्ट पे लोकेटेड है, ठीक है। कोंकण कोस्ट अगर बात किया जाए गोवा का हाईएस्ट
पिक तो है, वो पिक का नाम है सोन सोगोर, सोन सोगोर पिक, हाईएस्ट पिक ऑफ गोवा, याद कर सकते हैं, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क कर सकता है। उसके बाद सिक्किम, सिक्किम का कैपिटल क्या है? सिक्किम का कैपिटल है गैंगटॉक, यहाँ है सिक्किम और इसका कैपिटल है गैंगटॉक, गैंगटॉक। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक हुआ 2016 में, 2016 में जो 100% ऑर्गेनिक हुआ 2016 में, ठीक है। सिक्किम का हाईएस्ट पीक, सिक्किम का हाईएस्ट पीक जो वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट पीक है, वो सिक्किम का हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है कंचनजंगा, कंचनजंगा। इसका हाइट पूछ लेता है कभी कभी, इसका हाइट है 8586 मीटर, 8586 मीटर, ठीक है। और एक सिक्किम में एक फेमस लेक है, ठीक है, एक सिक्किम में एक फेमस लेक है, उस लेक का नाम है, पता नहीं मैं कैसे प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो सकता है, गुरु गुरु डोंगमार, गुरु डोंगमार, डोंगमार, गुरु डोंगमार सिक्किम का एक इम्पोर्टेंट लेक है। और ये लास्ट स्टेट जो है त्रिपुरा, अगर इसके बारे में देखें, और मैं बोर्ड क्लियर करते हैं पहले, ओके, त्रिपुरा यहाँ पे है, देखिए मैप में आपको नजर आएगा, त्रिपुरा यहाँ पे है, मैप नजर आएगा आपको। त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है जो थ्री साइड्स से इंटरनेशनल बॉर्डर से करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर से करता है, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ, ठीक है। अगर त्रिपुरा का मैप देखें तो ये सिर्फ ईस्ट साइड में ही ओपन है, बाकी थ्री साइड से वो इंटरनेशनल बॉर्डर सेल करता है, यहाँ से ईस्ट साइड में सिर्फ वो नेशनल बॉर्डर सेल करता है अपने स्टेट के साथ, बाकी थ्री साइड से वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा, ओके। त्रिपुरा का कैपिटल क्या है? त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला, ओके। और त्रिपुरा का एक, अगर आप देखें तो त्रिपुरा के बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट फ्रूट क्या है, त्रिपुरा का स्टेट फ्रूट क्या है? स्टेट फ्रूट, स्टेट फ्रूट है त्रिपुरा का क्वीन, क्वीन पाइनएप्पल, क्वीन पाइनएप्पल इज द स्टेट फ्रूट ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। और अगर अभी रिसेंटली त्रिपुरा के अभी चीफ मिनिस्टर हैं बिप्लब कुमार देव, बिप्लब कुमार देव, एंड गवर्नर है एक सेकेंड, और गवर्नर है सत्यनारायण आर्या। सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं क्या है, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए पुडुचेरी, पुडुचेरी, पुडुचेरी का मतलब होता है न्यू विलेज, पुडुचेरी का मतलब होता है न्यू विलेज। पुडुचेरी अर्लियर ये फ्रेंच टेरिटरी था, फ्रेंच कैप्चर करते थे, फ्रेंच का एक ये कैपिटल था, मेन कैपिटल था इन इंडिया में। अगर पुडुचेरी की बात किया जाए, पुडुचेरी को ये कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद पुडुचेरी का एस्टेब्लिशमेंट किया था फ्रैंकोस, फ्रैंकोस मार्टिन, ये एक फ्रेंच था, इसने पुडुचेरी को एस्टेब्लिशमेंट किया था एरिया को कैप्चर करने के बाद। कब किया था अगर डेट पूछ लिया जाए, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए, 1674 AD, ठीक है। अगर देखते हैं यहाँ पे तो पुडुचेरी जो है ओनली टेरिटरी है विच स्प्रेड इन थ्री स्टेट्स, ठीक है। और फ्रेंच से हम लोगों ने पुडुचेरी को, इंडिया ने कैप्चर किया था 1 नवंबर 1954 को, पुडुचेरी इंडिया का टेरिटरी में आके इंडिया का पार्ट हो गया था, ठीक है। तो किन किन से, किन किन स्टेट्स में पुडुचेरी फैला हुआ है अगर देखते हैं, तो फर्स्ट जो है ये है आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, सेकेंड ये फैला हुआ है आपका तमिलनाडु में, और थर्ड ये फैला हुआ है आपका केरला में, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, बेसिकली पुडुचेरी का अगर ये मेन पुडुचेरी का ये आता है, तो इसका थ्री मेन पार्ट्स है। आंध्र प्रदेश में जो पार्ट्स फैला हुआ है वो है यनम, यनम। उसके बाद तमिलनाडु में मेन पार्ट्स जो फैला हुआ है, एक मेन लैंड तो है ही है, उसके साथ एक है कराईकाल, यहाँ पे कराईकाल, कराईकाल। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट मेन लैंड है पौंडीचेरी का, वो केरला में फैला हुआ है, उसको बोलते हैं माहे, यहाँ पे माहे, माहे। फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, ओके। उसके साथ साथ अगर आंध्र प्रदेश की अगर बात कर लें, तो एक आंध्र प्रदेश का एक इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि आंध्र प्रदेश के तीन कैपिटल्स हैं, आंध्र प्रदेश के तीन कैपिटल्स हैं, थ्री कैपिटल्स। फर्स्ट जो कैपिटल है, सेकेंड क्लियर करते हैं बोर्ड, फर्स्ट जो कैपिटल है
वो है कुरनूल, जो कि एक जुडिशली जुडिशली कैपिटल है, जुडिशरी कैपिटल है। सेकेंड है जो वो है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम वो ये आपका एग्जीक्यूटिव कैपिटल है आंध्र प्रदेश का। और थर्ड जो है वो है लेजिस्लेटिव कैपिटल, जो कि है अमरावती में। ये 1953 में आंध्र प्रदेश बना था फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट्स ऑफ इंडिया, याद रख सकते हैं आप। अब देखते हैं तेलंगाना। तेलंगाना बेसिकली एक लैंड लॉक स्टेट है, यहाँ पे मैप में देखिए, ये एक तेलंगाना आ गया यहाँ पे, लैंड लॉक स्टेट। ओके, ये 2 जून 2014 को 29th स्टेट ऑफ इंडिया बना था आंध्र प्रदेश से कट होके। ये आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट है, ये स्टेट है। इसके जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो था, नॉर्थ वेस्ट इस पोर्शन का जो डिस्ट्रिक्ट था, टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स को काट के तेलंगाना स्टेट्स को बनाया गया था 2014 में। अब तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद, हम सभी को पता है। और ये बात साइन हुआ हुआ था, ये बात डिसाइडेड हुआ था कि नेक्स्ट 10 साल तक, मतलब 2024 तक, हैदराबाद ही कैपिटल रहेगा आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना का। लेकिन चूंकि हैदराबाद था तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश को अपना कैपिटल वर्क करने के लिए तेलंगाना जाना पड़ता था, लोगों को जाना पड़ता था, तो ये एक कोई डिफ़िकल्ट था। तो इसीलिए आंध्र प्रदेश का ही भी 3 कैपिटल किया गया, लोगों ने अपना कर लिया, जो कि कुरनूल, विशाखापट्टनम एंड अमरावती था, जो मैंने अभी डिस्कस किया। 3 डिफरेंट कैपिटल फॉर 3 डिफरेंट वर्क्स। ओके, एक और यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश हुआ था अमरावती, जो कि एक विजयवाड़ा के पास है नियर कृष्णा रिवर। ओके ओके, नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। सो देखिए ये नेक्स्ट स्लाइड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसमें हम लोग देखेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ये क्या है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को बोला जाता है इमेरल्ड आइलैंड। ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑल्सो कॉल्ड इमेरल्ड आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का 2 मेन पार्ट है। फर्स्ट है ये ऊपर में अंडमान आइलैंड्स, और ये नीचे में निकोबार आइलैंड्स, क्लियर हुआ। और ये दोनों डिवाइड हुए हैं बाय द 10 डिग्री चैनल। ये यहाँ से लगभग गया हुआ है, ये चैनल को बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, क्लियर है। अब अंडमान आइलैंड्स का टोटल 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, फिर आता है साउथ अंडमान यहाँ पे, फिर आता है लिटिल अंडमान, 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। जबकि निकोबार आइलैंड्स का 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कार निकोबार आइलैंड्स, ठीक है, फिर आता है लिटिल निकोबार आइलैंड्स, ये छोटा सा, फिर आता है ग्रेट निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार आइलैंड में ही हमारा क्या है, इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है जिसका वैल्यू है 6 डिग्री 45 मिनट्स, जो कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, यहाँ पे इस जगह पे होगा, इस जगह पे ग्रेट है। अब देखा जाए तो एक लाइन गया हुआ है यहाँ से साउथ अंडमान, और यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में गया हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग डंकन पास, इसको लोग बोलते हैं डंकन पास, ठीक है। फिर एक है कोको स्टेट्स, मैं जैसे सिर्फ लोकेशन आपको क्लियर कर रहा हूँ कि कन्फ्यूज़न ना हो। कोको स्टेट्स ये जो है, ये जो मैं लाइन में कर रहा हूँ, नॉर्थ ऑफ अंडमान आइलैंड्स के पास से म्यांमार शुरू होता है, म्यांमार जो शुरू होता है तो उसके टेरिटरी के पास पड़ता है कोकोज आइलैंड, कोकोज आइलैंड या कोको स्टेट, ठीक है। देखिए बेसिकली होता यह है, अगर बात करें हम के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का कैपिटल क्या है, तो वो है पोर्ट्स ब्लेयर। पोर्ट्स ब्लेयर लोकेटेड कहाँ है, पोर्ट्स ब्लेयर लोकेटेड है साउथ अंडमान में, साउथ अंडमान में लोकेटेड है पोर्ट्स ब्लेयर, ये कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। एक्चुअली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है ये एक आर्चिपेलागो है, आर्चिपेलागो, एक सेकेंड थोड़ा रब करता हूँ तब समझ में आएगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर आर्चिपेलागो, आर्चिपेलागो मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर कॉल्ड आर्चिपेलागो। ओके, ऑफिशियल एनिमल का बात किया जाए अगर अंडमान निकोबार आइलैंड के, ऑफिशियल एनिमल जो है वो है डूजोंग एनिमल, आई थिंक आपने देखा होगा टीवी में। इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स टोटल 572 आइलैंड्स आर देयर, इन अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलागो देयर आर टोटल 572
572 आइलैंड्स, इन विच ओनली 37 आइलैंड्स आर इनहेबिटेड। एक क्वेश्चन आ सकता है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में, तो टोटल थ्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं, थ्री डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ट्राइब है अंडमान निकोबार आइलैंड का, जो कि एकदम ही सेपरेटेड एंड आइसोलेटेड ट्राइब, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आइसोलेटेड ट्राइब ऑफ द वर्ल्ड है, जो है सेंटिनल्स ट्राइब। और यहाँ पे देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, ये सेंटिनल आइलैंड में ही पाए जाते हैं यहाँ पे, जो कि साउथ अंडमान के वेस्ट साइड में है, साउथ अंडमान के वेस्ट साइड में है। और ये देखिए यहाँ पे, ये वीडियो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये सेंटिनल ट्राइब्स के बारे में है। हम लोगों ने अप्रोच भी किया है इनसे बातचीत करने के लिए और अपने कल्चर को या अपने मॉडर्न सोसाइटी से इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, बट और एक किलिंग केस भी आया था रिसेंटली, आप देख सकते हैं। नाउ अब आता है बैरन आइलैंड, एक आता है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड जो है इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो है, ओनली एक्टिव वोल्केनो है, जो है ईस्ट ऑफ मिडिल अंडमान निकोबार में, ये मिडिल अंडमान के ईस्ट में लगभग इस जगह पे है ये बैरन आइलैंड। चीज आता है नारकोंडम, नारकोंडम जो है ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अंडमान के नॉर्थ ईस्ट लगभग इस जगह पे लोकेटेड है, ये भी एक वोल्केनिक आइलैंड है नारकोंडम। उसके बाद कोको स्टेट्स, जो मैंने आपको बताया ही है कोको स्टेट्स क्या होता है, और ये बेसिकली स्टेट्स कहते हैं, बता रहा हूँ मैं, स्टेट्स कहते हैं नैरो सी जो होता है, नैरो सी विच कनेक्ट्स टू लार्ज बॉडीज ऑफ ओशन, दो लार्ज बॉडीज ऑफ ओशन के बीच में अगर एक नैरो सी है तो उसको हम बोलेंगे स्टेट। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स अगर देखा जाए अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, तो एक है बॉटम आइलैंड, बॉटम आइलैंड नेशनल पार्क। अच्छा, अंडमान निकोबार आइलैंड में एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पे एक मड, यहाँ पे एक मड वोल्केनो पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं झलकी, लोकल लैंग्वेज में झलकी बोलते हैं, जो कहाँ है वो है बारा टांग आइलैंड में है, बारा टांग आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से दो कंट्री के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है, फर्स्ट है थाईलैंड, दूसरा है इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ सकता है। और ऐसा कहा जाता है कि म्यांमार का जो सबमर्ज पोर्शन है अराकन योमा उसका ही अपलिफ्टेड पार्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, और उसके बाद सम क्यू एंड ए क्वेश्चन है एंड उसका आंसर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है पोंडिचेरी एंड कानकीनारा जो है बोथ आर ऑन अ सेम लॉन्गिट्यूड, तो उस लॉन्गिट्यूड का नाम क्या है। ठीक है, अगर मैप देखते हैं, अगर इंडिया का मैप ये है इंडिया का मैप, तो पोंडिचेरी एंड कानकीनारा, कानकीनारा पड़ता है आपके आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और पुडुचेरी है आपका यहाँ पे, तो ये एक यहाँ से लॉन्गिट्यूड गया हुआ है, इस दोनों लॉन्गिट्यूड के ऊपर में ही है कांकेरा और पुडुचेरी, तो इस लॉन्गिट्यूड का नाम क्या है। तो इसका नाम जो है, ये वैल्यू है 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थ्री कैपिटल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, जो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया है क्या क्या है। फर्स्ट है कुरनूल, जो कि है जुडिशियल कैपिटल, फिर है विशाखापट्टनम, जो कि है एग्जीक्यूटिव कैपिटल, फिर है अमरावती, जो कि है लेजिस्लेटिव कैपिटल। ओके, क्लियर है। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, अरेंज अकॉर्डिंग टू एरिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये कुछ स्टेट्स का नाम दिया गया है, इनको एरिया के हिसाब से सजाना है, पहले बड़ा होगा उसके बाद से उसको फॉलो करते हुए छोटे स्टेट्स आएंगे। तो अगर हम फॉलोइंग स्टेट्स में उड़ीसा बड़ा स्टेट है एक, उसके बाद आता है बिहार, उड़ीसा से छोटा है, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट स्टेट है वेस्ट बंगाल, फिर आएगा झारखंड, फिर आएगा आसाम, फिर आएगा सिक्किम। ओके, तो ये अरेंजमेंट कुछ ऐसे हुआ, सबसे बड़ा स्टेट है उड़ीसा, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, फिर आसाम, फिर सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बेंगलोर वर्सेस चेन्नई, यस, इन दोनों में, ये दोनों सिटी है, बैंगलोर आपके कर्नाटका में पड़ेगा और ये आपका पड़ेगा चेन्नई में, इन सिटीज़ में कौन साउथर्न मोस्ट है। ओके, इसके लिए मैप देखता हूँ, इंडिया का मैप दिखाता हूँ आपको। तो अगर आप यहाँ पे फॉलो करें इंडिया के मैप में, इसको पहले रब करते हैं, देखिए चेन्नई लगभग इधर है, ये चेन्नई है आपका, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, और ये है बैंगलोर। अगर आप थोड़ा गौर से देखिएगा तो ये बैंगलोर जो है ये साउथर्न मोस्ट है एज़ कंपेरिजन टू चेन्नई। ओके, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, बैंगलोर जो है साउथर्न मोस्ट है। फिर आता है पुडुचेरी टू पौंडीचेरी, मतलब कौन से साल में पौंडीचेरी वर्ड या पौंडीचेरी स्टेट का नाम पौंडीचेरी हो गया, पहले इसका नाम था पुडुचेरी। ठीक है, तो ये आपका हुआ था 2006 में। ओके,
फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया जो है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया वो कितना है, कितने के बराबर है एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया 1/3 है, 1/3 ऑफ एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल। देखिए बताता हूँ, ये अगर हमारा अगर वर्ल्ड है, ये है इक्वेटर और ये है यहाँ पे नॉर्थ पोल, तो इसका जो ये एंगुलर डिस्टेंस है इसका 1/3 है, क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। समझ में आया, ये होगा 0 डिग्री इक्वेटर, ये लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया सरकमफ्रेंस ऑफ इक्वेटर के कितना है। तो ये इसका आंसर होगा, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया जो है 1/12 है सरकमफ्रेंस ऑफ द इक्वेटर। क्लियर हुआ पॉइंट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, दो इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं, एक का नाम है रोज़ आइलैंड और एक का नाम है नील आइलैंड। रोज़ आइलैंड को हम लोग बोलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, क्लियर, और नील आइलैंड को बोलते हैं शहीद आइलैंड। ओके, ये दोनों पोर्ट्स जो है कहाँ पे लोकेटेड है, ये दोनों पोर्ट्स लोकेटेड है आपके अंडमान में, अंडमान आइलैंड्स में लोकेटेड है, ठीक है। और इन द मोर स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो रोज़ आइलैंड लोकेटेड है पोर्ट ब्लेयर आइलैंड्स में, पोर्ट ब्लेयर्स में, जो कि पोर्ट ब्लेयर लोकेटेड है साउथ अंडमान आइलैंड्स में, और नील आइलैंड्स लोकेटेड है आपका रिची आर्चिपेलागो में, ये भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का ही एक पार्ट है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, कैपिटल ऑफ डी एन एन, मतलब दादरा एंड नगर हवेली का कैपिटल क्या है। हम लोगों ने देखा था कि 2019 में ये दादरा एंड नगर हवेली अंडमान एंड दीव मर्ज हो गए थे, लेकिन इसका पहला कैपिटल क्या था, ओल्ड कैपिटल, दादरा नगर हवेली का पहली अर्लियर या ओल्ड कैपिटल क्या था, सिलवासा था, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है वीडियो में, आप देख सकते हैं। ये है कि कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, यस, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो इसका कैपिटल क्या है, इसका कैपिटल है कवरत्ती। अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो इसमें से आप आराम से इन 3 क्वेश्चंस में 5+ स्कोर कर सकते थे। ओके, नाउ थैंक यू एवरीवन, सो हैव यू ऑल एंजॉय द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो एंड फाइंड इट रिलेवेंट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।